अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि हुक्का क्या होता है, हुक्का कैसे बनता है। जिसे पंजाब में तो हुक्का कहा जाता है, ये पंजाब का कल्चर है। हुक्का पीते हुए आपको बुज़ुर्ग देहातों में नज़र आएंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे केपीके में तो इसे चिलम कहा जाता है। और अगर आपके गांव में, पड़ोस में, शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं, कोई हुक्का पीने वाला है तो मुझे बताएं कि हुक्के को वहाँ पे क्या कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हुक्का बनता कैसे है, इसकी इब्तिदा कब हुई और कैसे हुई, और ये पूरी दुनिया में कैसे फैला। इसका लेटेस्ट वर्जन जो है आजकल शीशा है, जो नौजवानों में बहुत मकबूल है। हुक्का या वाटर पंप, मुगले हिंद के दौरान जब मुगलों की हुक्मरानी थी हिंदुस्तान पर, तो हिंदुस्तान के शहर फतेहपुर सीकरी एक शहर है, वहां पे इसकी इब्तिदा हुई थी। एक फारसी मालज हुआ करता था अकबर के शहनशाह के दरबार में, जो उसका इलाज किया करता था। उसका नाम था अबू उल्फत गिलानी, उसने ये इजाद किया था। इसका मतलब है वो फारसी था, तो इसकी इब्तिदा जो है वो फारस से शुरू हुई है, जहां से ये बिलाखर बरे सगीर पाक और हिंद में फैल गया। तंबाकू और मुंशियात के इस्तेमाल को ममनू समझने के बावजूद, जब इसका इस्तेमाल शुरू हुआ तो इसका इस्तेमाल शुरफा में बहुत मकबूल हुआ, और बाद में बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में तकरीबन ये फैल चुका है। अभी असल हुक्का अक्सर देही जनूबी एशिया में इस्तेमाल होता है, जो मोटा तम्बाकू होता है उसे ये कोयलों पे जलाकर पानी से फिल्टर करके पीते हैं। उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, आपके भाई की हौसला अफजाई हो जाती है। हुक्का बनाने का प्रोसेस भी आप देख रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, तो लाइक तो एक बनता है, एक लाइक मारो और आगे फिर हम शुरू करते हैं। हुक्का ने बाद में शीशा की शक्ल अख्तियार कर ली, जो कि आजकल नौजवानों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। तो ये देखें कैसे कैसे हुक्के ये कारीगर बना रहे हैं, और ये फरोख्त भी होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आजकल तो मिडल ईस्ट वाले भी बहुत ज़्यादा हुक्का इस्तेमाल करते हैं, और तरह तरह के फ्लेवर्स में यूज़ कर रहे हैं, जिसे शीशा वो कहते हैं। बेसिकली ये हुक्का ही होता है। तो अभी आगे चलते हैं, इसके हुक्का बनाने के सारा प्रोसेस आप देखें, कितने खूबसूरत हुक्के तैयार होते हैं, और ये पाकिस्तान में तैयार होते हैं, अभी आपको पता चलता है। सारी वीडियो देखनी है और इन्जॉय करना है, और अपने भाई को दुआओं में याद भी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आपको वक्तन फ़क्तन मिलती रहें। बेल आइकन भी प्रेस करें, जो घंटी नज़र आ रही है आपको, घंटी के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। गांव में याद रखना, आपका भाई। और जिस बंदे ने हुक्का लेना है या ख़रीदना है या इसकी बारे में मालूमात लेना चाहता है, वो लाजमी कमेंट करें, हम उससे इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.